गुड मॉर्निंग क्लास, मैं संदीप चौधरी महाविद्यालय कॉलेज से। आज मैं आपको साइंस बी ए सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर पढ़ा रही हूँ, बाल विकास। इसमें आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में, हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं कि नवजात शिशु की विशेषताएं और उसकी देखभाल के बारे में। तो हमने नवजात शिशु की विशेषताओं के बारे में आपको बता दिया था, आज मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले नवजात शिशु का वर्गीकरण। तो जो नवजात शिशु होता है उसका जन्म दो प्रकार से होता है। पहले जो शिशु होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले जो शिशु होते हैं वो होते हैं सामान्य शिशु। सामान्य शिशु क्या होते हैं? जो शिशु गर्भधान के लगभग 40 हफ्ता या 280 दिन बाद जन्म लेते हैं, यानी पूरे 9 महीने बाद जिन शिशुओं का जन्म होता है वो शिशु कहलाते हैं सामान्य शिशु कहलाते हैं, क्योंकि इनका शारीरिक विकास ठीक तरीके से हो पाता है। ये जो सामान्य शिशु होते हैं इनका वजन होता है 3 किलो जैसे 8 पाउंड और लंबाई जो उनकी होती है वो होती है 18 से 20 इंच तक। तो जो जिन शिशुओं का जन्म पूरे 9 महीने में हो वो कहलाते हैं सामान्य शिशु। दूसरे जो होते हैं वो है अपरिपक्व शिशु। अपरिपक्व शिशु वो होते हैं जिनका जन्म गर्भधान के बाद 40 हफ्ते में या 280 दिन के पहले ही, 9 महीने पूरे होने से पहले ही हो जाता है और उनका शारीरिक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता। ऐसे शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इनके शरीर का भार, इनकी लंबाई अन्य सामान्य शिशुओं की तुलना में कम होती है। इन शिशुओं का जन्म 6 से 7 महीने के बीच में हो जाए वो शिशु कहलाते हैं अपरिपक्व शिशु। तो ये हो गया शिशुओं का वर्गीकरण। और जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, पर हेडिंग देख रहे हैं आप, हमारी बोर्ड पर लिखी हुई है कि नवजात शिशुओं की शारीरिक रचना और उसके विकास के बारे में। तो नवजात शिशुओं की शारीरिक विकास किस तरीके से होता है? तो इन सबसे पहले वो आकार का भार तथा लंबाई के बारे में, नवजात शिशुओं के भार तथा लंबाई के बारे में। तो पूर्ण विकसित जो सामान्य शिशु होते हैं जिनका जन्म पूरे 9 महीने में होता है, जिन शिशुओं का जन्म पूरे 9 महीने में हो रहा है उनके शरीर की भार और लंबाई, जिनका भार होता है 6 से 8 पाउंड यानी कि 3 से 3.5 किलो के बीच, और इनकी लंबाई होती है 16 से 20 इंच के बीच में, 16, 18 और 20 इंच के बीच में इनकी लंबाई होती है। तो ऐसे शिशु को कहलाते हैं सामान्य शिशु, का भार तथा लंबाई ठीक तरीके से इनका विकास हो पाता है। सेकेंड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है हाथ पैर, यानी कि जो नवजात शिशुओं के हाथ पैर होते हैं तो इनकी पैरों की जो लंबाई होती है ये लगभग सामान होती है, लेकिन इनकी जो लंबाई होती है सामान होती है, लेकिन शरीर की लंबाई के अनुपात में इनके जो पैर होते हैं ये छोटे होते हैं तथा इनका धड़ होता है वो हाथ और पैरों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। तीसरी शारीरिक जो है त्वचा, इनकी स्किन के बारे में, तो नवजात शिशुओं की त्वचा पर सफ़ेद वसीय पदार्थ की एक परत चली रहती है जो शिशु की त्वचा की रक्षा करती है, और प्रसव के समय योनि मार्ग से बाहर आने में ये शिशु की सहायता करती है। नवजात शिशुओं की त्वचा पतली, कोमल और पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। जन्म के बाद 8 से 10 दिन बाद तक त्वचा कोमल और लाल बनी रहती है, अथवा शिशु की त्वचा की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल की कमी में शिशुओं में चर्म रोग के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ नवजात शिशुओं को जन्म के 4 से 6 दिन बाद शिशुओं की त्वचा व आँखों में पीलापन आ जाता है जो 10 से 12 दिनों में खुद ही मिट जाता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। डॉक्टरों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि गर्भकाल में शिशुओं को कम ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन नाल छेदन के बाद जब वह स्वस्थ क्रिया, उनकी सांस लेने की क्रिया शुरू कर देता है तो उनके शरीर में अधिक ऑक्सीजन आपूर्ति होने लगती है, जिससे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण व क्षति शीघ्रता से होने लगती है। लाल जो रक्त कणिकाओं के नष्ट होने से शरीर में जो पित्त की मात्रा बढ़ती है, लेकिन शिशु का अविकसित यकृत इस बढ़े हुए पित्त को रोकने में असमर्थ रहता है।
रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है जिससे त्वचा में पीला बना जाता है, लेकिन यह खुद ही बिना किसी डॉक्टर के दूर हो जाता है, चिकित्सक से दूर हो जाता है। किंतु यदि अवस्था ये लगातार 4 से 6 हफ्ते तक बनी रहे तो तुरंत ही डॉक्टर से इसका परामर्श कराना चाहिए। तो ये हो गई त्वचा के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है हमारी अस्थियाँ, यानी अस्थि के बारे में, अस्थियों का विकास किस तरीके से होता है। तो नवजात शिशुओं की जो अस्थियाँ हैं वो अपरिपक्व, अविकसित और लचीली होती हैं। ये जन्म जैसे शिशु जन्म लेता है तो ये जन्म के समय पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाती, कड़क नहीं होती है, मुलायम और लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम नहीं होता और कार्टिलेज की ये बनी होती हैं। अस्थियाँ कार्टिलेज की होने के कारण ही शिशु सुगमतापूर्वक योनि मार्ग से बाहर निकल आता है। यदि इन शिशुओं की अस्थियों में कैल्शियम आ जाए गर्भावस्था के समय भी जब गर्भ के अंदर होते हैं तो ये माँ के योनि मार्ग से आने में इनको परेशानी होगी, शिशु और माँ दोनों के लिए, क्योंकि कैल्शियम आ जाने से इनकी अस्थियाँ जो है वो कड़क हो जाएंगी। तो गर्भावस्था में इनमें कैल्शियम नहीं पाया जाता, ये कार्टिलेज की ही बनी होती है। फिर जो 5वीं हेडिंग हमारी है वो है मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियों में नवजात शिशु की जो मांसपेशियाँ हैं वो आविक्षित होती हैं और इनमें क्रियाशीलता की कमी होती है, इसलिए शुरुआत में शिशु अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाते। धीरे धीरे मालिश व इनके व्यायाम से ये अपने आप पोषण में पुष्टता आ जाती है। फिर 6वीं जो हेडिंग है वो है तंत्रिका तंत्र। तो नवजात शिशु का जो सिर होता है वो शरीर की तुलना में बहुत बड़ा होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत में मेरु रज्जु अधिक विकसित रहता है जिससे शिशु प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, जैसे तेज प्रकाश में आँखों को बंद कर लेता है, माँ के स्तन को चूसना और भोजन को निगलने की क्रिया सहजता से संपन्न कर लेता है। फिर है रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। तो नवजात जो शिशु के हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं वो कोमल व कमज़ोर होती हैं, लेकिन इन्हें वयस्कों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। नवजात शिशुओं की हृदय स्पंदन तथा नाड़ी की गति वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, जो पहले प्रति मिनट 120 से 140 तक रहती है। शिशु क्रंदन के समय यह बढ़कर 160 से 200 प्रति मिनट हो जाती है। तो योग का रक्त परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी आती है वो है श्वसन तंत्र के बारे में। तो नवजात शिशुओं के फेफड़े छोटे तथा कम विकसित होते हैं, लेकिन इनकी श्वसन दर वयस्कों की तुलना में अधिक होती और वयस्कों की श्वसन क्रिया में वक्ष स्थल और उदर की पेशियां सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जबकि शिशुओं की श्वसन क्रिया में महाप्राचीरा पेशी सक्रिय भूमिका निभाती है। तीनों का श्वसन तंत्र के बारे में लास्ट हेडिंग जो हमारी है वो है पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र का विकास किस तरीके से होता है। तो पाचन तंत्र जो है तो नवजात शिशुओं में पाचन तंत्र की रचना पूरी होती है, लेकिन पाचन तंत्र जो होता है वो परिपक्व नहीं होता। लाल ग्रंथियों से लाल रस बहुत कम मात्रा में श्रावित होता है और कार्बोज को पचाने में ये असमर्थ रहते हैं। इनका आहार जो होता है वो तरल ही रखना चाहिए। जब भी नवजात शिशुओं को जैसे कि इनका जो पाचन तंत्र होता है ये खाना पचाने में ये परिपक्व नहीं होता, जन्म से कई समय तक इनका जो पाचन तंत्र होता वो जन्म से कई समय तक ये परिपक्व नहीं हो पाता है, क्योंकि इस समय इनको जब तक ये मान 2 से 3 साल का ना हो जाए शिशु तब तक इसको तरल पदार्थ ही देने चाहिए, क्योंकि इसको पचाने में दिक्कत आती है। तो ये हो गए हमारे इसके शरीर रचना और इसके विकास के बारे में। इसके साथ ये हेडिंग यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवजात शिशु की देखभाल किस प्रकार की जाए।